बुधवार को टाउन वेडिंग कमेटी नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश से टाउन वेडिंग कमेटी के मेंबरों के आगमन पर एक जागरूकता एवं सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त एवं नगर निगम के अधिकारीगण द्वारा कुटकुट शाला बंगला गांव में टाउन हॉल क्षेत्र के पथ विक्रेता को मूलभूत सुविधाओं सहित मॉडल वेडिंग जोन में आवंटित कर व्यवस्थित किया गया है। समारोह में उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों से टाउन वेडिंग कमेटी के मेंबर पधारे, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, सिकंदराबाद, कानपुर, इटावा, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, मथुरा, बनारस, मुजफ्फरनगर, जसवंत नगर, इलाहाबाद आदि से उपस्थित रहे, जिनको पट पेटी वेलफेयर एसोसिएशन चौहान नगर निगम द्वारा सम्मानित भी किया गया। टाउन वेडिंग कमेटी द्वारा आईएमए हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नगर आयुक्त ने शहर के वेंडरों को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी वेंडर को शहर से बाहर नहीं किया जाएगा, बस उसे व्यवस्थित करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्मार्ट सिटी की लाइन में खड़ा मुरादाबाद अब स्मार्ट होने की लाइन में कदम बढ़ा चुका है। इसी कड़ी में आज कचहरी स्थित आईएमए हॉल में टाउन वेडिंग कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत उन वेंडरों की समस्याओं को रखा गया जिन्हें मुख्य बाजार से हटाया जा रहा है, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने कमेटी से जुड़े लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए नगर आयुक्त संजय चौहान भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने वेंडर कमेटी के लोगों से चर्चा करके उनके लिए चुने गए विकल्प भी बताए हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि क्योंकि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में चयनित हुआ है, तो सबसे पहले शहर की सड़कों पर वेंडरों के कारण लगी भीड़ को व्यवस्थित करना है। किसी भी वेंडर को शहर से बाहर नहीं भेजा जाएगा। समारोह की अध्यक्षता कमल कुमार ने की, साथ ही महामंत्री उबैदुर रहमान, उपाध्यक्ष सरोज सिंह, कोषाध्यक्ष कुलदीप सिंह व अन्य हाजी आसिफ, रईस जावेद, जुबैर शाकिर हुसैन, दलवीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज शहरों में दो तरीके का विकास देखने को मिलता है, एक नियोजित सुनियोजित विकास और एक ऐसा विकास जो स्वाभाविक है परंतु नियोजित नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग शहरों में आज अपनी रोजी रोटी और रोज़मर्रा के चीज़ों के लिए आते हैं, जिनके पास कोई निश्चित रोज़गार नहीं है। वो वेंडर्स के तौर पर शहर में यहाँ वहाँ छोटे मोटे व्यवसाय करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। आमतौर से ये देखा गया है कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो इन लोगों को जो अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए गैर नियोजित रोज़गार में लगे हैं, उनको या तो वहाँ से हटाया जाए, वहाँ से हट करके एक ऐसी परिकल्पना की है जिसमें दोनों ही तरह के लोगों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे समानता के आधार पर। नियोजित विकास तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग वेंडिंग या वेंडर के तौर पे अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी शहर में एक उचित स्थान हो, सुविधाजनक स्थान हो, वहाँ जन सुविधाओं को विकसित किया जाए ताकि आम शहरी भी अपनी आम रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन स्थलों पर जाए। किसी को शहर से शिफ्ट कर देना या किसी तबके को शहर से हटा देना, अगर इस तरीके की विकास की कोई धारणा है तो मेरे विचार से पूरी नहीं है। और हम इस धारणा पर काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत और निगम की अपनी योजनाओं के तहत भी शहर में सुविधाजनक वेंडिंग जोन्स को विकसित किया जाना है, जिससे जहाँ एक तरफ वेंडर्स अपने व्यवसाय रोजगार को आसानी से कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर शहर को ट्रैफिक जाम और गंदगी जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिल पाएगी। इसी दृष्टिकोण से आज टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और मैंने तो वेंडर्स के लिए और क्या योजना है? देखिए, बेसिकली वेंडर्स के लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन अगर डेवलप हो जाए तो इससे बेहतर योजना कुछ नहीं हो सकती। वेंडिंग जोन्स में पार्किंग की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, वहाँ पर जन सुविधाएँ, टॉयलेट्स इत्यादि की सुविधा हो, कूड़े का लगातार वहाँ से उठान हो, साफ सफाई अच्छी हो, तो वेंडिंग जोन भी हमारे शहर की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं। और किसी को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये वेंडिंग का व्यवसाय है जिसकी वजह से शहर गंदा हो रहा है या शहर में जाम लग रहा है या शहर में अतिक्रमण की समस्याएं हो रही हैं। इन तमाम सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है अगर हम वेंडिंग जोन्स को व्यवस्थित करके विकसित। महानगर मुरादाबाद में अब तक कितने वेंडिंग जोन स्थापित किए जाए? देखिए, 11 वेंडिंग जोन की हमारी योजना है। एक वेंडिंग जोन हमने इनॉग्रेट किया है अभी 6 नवंबर को, और बहुत जल्दी 10 वेंडिंग जोन स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी बनाने का हमारा प्लान है।